तो तुम्हारे लिए मूर्खता है वो मेरे नैतिक धर्म है। मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं, मैं अपने प्राण तक दे सकता हूं, लेकिन अपना धर्म नहीं। सुनो, आज तक तुमने कोई कार्य ठीक नहीं किया, अब जाते जाते एक भला काम करती जाओ। तुम बताओ कर्ण के लिए क्या आवश्यक है, एक वृद्ध शरीर के साथ पूरी जिंदगी पल पल मरना या बलिष्ठ शरीर के साथ राज करना? मौन क्यों हो? कर्ण की भलाई का दम भरती हो ना, बताओ। तुम मेरे स्थान पे होती तो क्या करती? अगर हम तुम्हारे स्थान पे होते ना कस्तूरी, तो हम कर्ण का साथ देते, क्योंकि आज तक कर्ण ने किसी दान मांगने वाले इंसान को खाली हाथ नहीं जाने दिया। यदि आज ऐसा हुआ तो हम कर्ण को जानते हैं, वो अपना जीवन शांति से नहीं बिता पाएंगे। अच्छा, अब समझी। कर्ण ने तो तुम्हें त्याग दिया है, तो तुम सोच रही हो कि हो जाए बूढ़ा, तुम्हें उससे क्या? तुम तो जा रही हो ना, सोच रही हो कि तुमने तो राज कर लिया और मैं इस बूढ़े के पैर दबाते हुए पूरी जिंदगी कुटिया में निकाल दूं, कब नहीं कहेगी? कस्तूरी, राजपाट छिनता है तो छिन जाए। ऐसे कैसे छिन जाए, उसी के लिए तो मैं यहां। बोलो, रुक क्यों गई? और वैसे भी मैं अपने निर्णय में किसी को हस्तक्षेप नहीं करने देता। कर्ण, जा रहे हो तो जाओ, किंतु मुझसे कोई आशा मत रखना। परंतु तुमने तो सबके समक्ष कहा था कि तुम हर हाल में कर्ण का साथ दोगी, उसके त्याग और तपस्या का हिस्सा बनोगी, तब तो तुम्हें कर्ण का साथ देना चाहिए। हाँ, कहा था मैंने, किंतु मैंने ये कहा था कि मैं अंगराज कर्ण का साथ दूंगी, उनकी पटरानी बन राज्य के प्रति अपना धर्म निभाऊंगी। किंतु अब जब कोई राजा रहेगा ही नहीं, तो कहाँ की पटरानी, कैसा धर्म? तुम कर्ण संगिनी हो ना, तो तुम दोगी इस वृद्ध का साथ। जब जोड़ों में पीड़ा होगी तो तुम दबाना। साथी हो या संगिनी, हर स्थिति में साथ देना एक विवाह का धर्म होता है, और हम वही करेंगे अपने अंतिम श्वास तक। महारानी कस्तूरी का प्रेम और त्याग तो स्वार्थ था, सब मिथ्या निकला। असली प्रेम तो महारानी उर्वी का ही है। महारानी उर्वी ही सच्ची जीवन साथी है। हाँ, हूँ मैं स्वार्थी, मैंने केवल स्वयं से प्रेम किया है, तो क्या अनर्थ किया? क्यों सब कुछ उर्वी को ही मिलना चाहिए? यदि मैं अपने हिस्से का ऐश्वर्य मांगने आ गई तो क्या अनुचित कर दिया? शक्ति और बल के लिए तो राजा भी एक दूसरे पे आक्रमण कर देते हैं, तो फिर रानी अपने सिंहासन के लिए अपनी सौतन को अपने मार्ग से क्यों नहीं हटा सकती? साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग किया, षड्यंत्र किया, अपनी हत्या का मिथ्या आरोप भी लगाया, सम्मोहित कर सबकी दृष्टि में गिराया। इतनी कठिनाइयों के बाद जब ये सब कुछ पाया है तो इस वृद्ध इंसान के लिए गवा दो।
आए नहीं। विलंब हो रहा था इसलिए मैं स्वयं ही चला आया। चार निर्णय लिया फिर आपने। मेरा यौवन आपको समर्पित है, ये ले लीजिए, स्वीकार कीजिए। यौवन का दान देने वाले दानवीर को हमारा शत शत नमन। अपने पति का साथ देने वाली कर्ण संगिनी को भी हमारा नमन। सुख में साथ देने वाले कोटि कोटि हैं, परंतु जो दुख में साथ ना छोड़े वो सच्चा साथी होता है। हाँ उर्वी, मैं ही श्री कृष्ण के पास गया था और उनसे प्रार्थना की थी कि आपकी प्रेम की परीक्षा हो कांत कीजिए। वहां कर्ण उर्वी की परीक्षाओं का अंत चाहते थे और यहां उर्वी कर्ण के लिए हर परीक्षा देने को तत्पर थी। वो घर छोड़कर नहीं गई, पटरानी के चयन के लिए निष्पक्ष अवसर मांगा, अपने अधिकार का प्रयोग किया। इतने कठिन समय में भी कर्ण को कस्तूरी के स्वार्थ से दूर रखना चाहती थी। उर्वी, तुम्हें बता दूं कि जब कर्ण हस्तिनापुर से लौटा था उसे तब भी तुम पर पूर्ण विश्वास था। तो फिर पटरानी के पद के लिए कस्तूरी का साथ देना वो सब क्या था? पूरी मैं चाहता था कि कस्तूरी एकदम निश्चिंत हो जाए और वो आपकी योजनाओं में विघ्न डालना बंद करे। मैं चाहता था कि कस्तूरी आपको कोई हानि ना पहुंचाए और उर्वी वो तो तुम्हें मृत्यु दंड देने की चेष्टा कर रही थी। तुम अपना अधिकार कितनी सरलता से छोड़ रही थी। उर्वी मैं चाहता था कि तुम अपने लिए खड़ी हो। उर्वी जब तुम जैसी आत्मविश्वास से भरी स्त्री अपना न्याय और अपना अधिकार नहीं मांगेगी तो राज्य में और स्त्रियों का क्या होगा? तो